तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज राहुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग फन विद आरएस। एंड आज मेरा पीसी हो चुका है क्रैश। आज नहीं, वैसे मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ मेरा पीसी क्रैश, कैसे हुआ पीसी खराब। तो ये बात है कल की, कल 4 बजे की। मैं अपना पीसी चला रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, पीसी एकदम से बंद हो गया। तो बंद होने से वजह से क्या हुआ, एकदम से बीप की आवाज़ आने लग गई। बीप बीप बीप, 4-5 बारी बीप की आवाज़ आई, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। तो फिर मैंने, जब ज़्यादा ही बीप की आवाज़ आने लगी, तो मैं घबरा गया एंड फिर कंप्यूटर की मेन पावर सप्लाई को बंद करा। एंड देन मैंने जब दोबारा पावर सप्लाई को चला के दोबारा कंप्यूटर चलाया, तो फिर मैंने देखा कि फिर से बीप की आवाज़ आ रही है, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने कुछ समझ आया कि बीप की आवाज़ तो इसलिए आती है जब कोई रैम क्रैश हो जाती है, कुछ खराब हो जाता है, रैम में दिक्कत आ जाती है। तो मैंने क्या करा, रैम की अदला बदली करी, एक रैम हटा के देखी, दूसरी रैम हटा के देखी, तीनों रैम को एक एक करके लगाया, लेकिन फिर मैं पता चला कि रैम की तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने तब चलाया तो फिर भी बीप की आवाज़ आ रही थी, कोई बायोस मतलब कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या करा, मैंने सोचा हार्ड डिस्क की दिक्कत है, पर मैं ये भूल गया था कि हार्ड डिस्क की दिक्कत तो तब होती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो जब कंप्यूटर मतलब हार्ड डिस्क का तो इससे कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होगा, अगर वो रीड नहीं कर पाएगा तो तब एरर आएगा। मतलब हार्ड डिस्क अगर खराब हुई तब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी उस टाइम मैं घबरा गया था, तो मैंने हार्ड डिस्क की भी तार निकाल के अच्छे से लगाई, तब भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड फिर मैं घबरा गया। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने सारी तार निकाली, सारी तार जो भी तार थी, एंड सारी तार फिर से लगाई। तो मेरे को लगा कि अब तो भाई प्रोसेसर में कोई गड़बड़ हो गई है। तो फिर मैंने प्रोसेसर को खोलना इतना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि ये तो सारे फेल हो गए थे। तो फिर जब मेरे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपका एक कंप्यूटर इंजीनियर के पास अपना कंप्यूटर ले गया। उसी के जैसे ही कुछ समझ नहीं आया, उसके 1 घंटे बाद मैंने एक कंप्यूटर इंजीनियर से अपना कंप्यूटर दिखवाया। तो उसने अपने चेक करके 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के मुझे ये बताया कि भैया आपका पीसी का मदरबोर्ड हो चुका है खराब। तो मैं शॉक हो गया भाई, अब तो भाई पीसी का मदरबोर्ड खराब हो चुका है, अब क्या करूँगा मैं, गेम्स की वीडियो कैसे बनाऊँगा अपने चैनल के लिए। तो फिर मैंने बोला कि इसमें कितना खर्चा लग जाएगा, तो उसने मेरे को बताया कि इसमें लग जाएगा 5-6 हज़ार रुपये खर्चा। मैं खर्चा तो लगा सकता था, लेकिन मैं चाहता नहीं था इसको दोबारा सही कराना, क्योंकि ये मैंने खरीदा था सेकंड हैंड। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसे फिर से ठीक कराऊंगा ये फिर से खराब हो जाएगा, तो इसको ठीक सही कराना कोई इतने वो नहीं है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं है इसमें, क्योंकि अगर मैं इसे फिर से सही कराऊंगा तो ये फिर से खराब हो सकता है। तो अब मेरा जो नया डिसीजन है वो ये है कि मैं एक नया गेमिंग पीसी बिल्ड करूंगा, जिससे मैं फिर से अपनी, मैं जो अभी लाइव स्ट्रीम की सोच रहा था, कल ही मैं लाइव स्ट्रीम की सोच रहा था कि मैं पबजी की लाइव स्ट्रीम करूंगा, बहुत सारी गेम की लाइव स्ट्रीम करूंगा, लेकिन ये हो गया। मैं लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहा था, स्ट्रीम लैब्स ओबीएस सब की सेटिंग्स कर रहा था, तो तब जाके ये पीसी बंद हो गया, क्रैश हो गया। देखिए क्या किस्मत है मेरी, जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता इससे भी अच्छा पीसी मेरे मेरे जो होते हैं पाठ में लिखा होगा। तो अब मैं करूंगा एक नया गेमिंग पीसी बिल्ड। तो उस गेमिंग पीसी की बिल्ड की वीडियो भी डालता रहूंगा कि मैं कौन से पार्ट्स यूज कर रहा हूँ गेमिंग पीसी बिल्ड करने में, क्या यूज कर रहा हूँ, सारी वीडियो आएंगी। तो तब तक के लिए अपने पीसी की जरा आपको हालत दिखा देता हूँ कि क्या है इसमें, क्या हो चुका है। तो आइए अब पीसी की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरा HP का PC, जिसमें मैंने लगा रखा है एप्पल का स्टिकर। तो चलिए उसकी तो कोई बात नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो मेरे पार्ट सेफ हैं मदरबोर्ड को छोड़ के। तो सबसे पहले मेरा पार्ट जो सेफ है वो है GPU, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में ग्राफिक कार्ड। तो ये मैंने लिया था 2 साल पहले, सैफायर SG7770 GHz एडिशन AMD का ग्राफिक कार्ड है। 2 साल पहले का ये बीस्ट था, गेमिंग बीस्ट था, इससे अच्छा कोई ग्राफिक कार्ड नहीं था। 9-10 हज़ार का ग्राफिक कार्ड लिया था, एंड अब तो ये 1 GB का है, तो अब इस ज़माने का ग्राफिक कार्ड नहीं रहा।
ये है मेरी 2 GB की कॉर्सेर की रैम, द नेम यू कैन डेफिनेटली बिलीव, DDR3 रैम है, बहुत अच्छी रैम है। इसको भी 3-4 साल हो गए रैम को, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये है हाइनिक्स की रैम, द नेम यू कैन नॉट बिलीव, इतनी बेकार रैम है, बार बार ही क्रैश हो जाती है। तो जब भी रैम ले हाइनिक्स की रैम कभी मत ले, सस्ती होती है, मैंने इसलिए लिया था, पर बार बार ही क्रैश हो जाती है। हाइनिक्स की रैम कभी मत ले, कॉर्सेर की भली ले लें, सैमसंग की, बाकी सारी सबकी लें, लेकिन हाइनिक्स की नहीं। ये थी 4-4 GB की 2 RAM और 2 GB की 1 RAM। तो ये है सीगेट, द नेम यू कैन बिलीव, 250 GB की हार्ड डिस्क है, इससे भी मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, इसको हुए 3-4 साल। ये है मेरी वेस्टर्न डिजिटल WD की हार्ड डिस्क 500 GB, इससे भी मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है, द नेम यू कैन डेफिनेटली बिलीव। और ये जो मेन चीज़ है जो सबको चलाता है, ये है पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट। ये है 460 वॉट का SMPS कूलर मास्टर, द नेम यू कैन बिलीव, बहुत अच्छा है ये। अभी तक इसे 2015 में मैंने लिया था, लेकिन अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है, इतना अच्छा है ये। तो ये तो मेरे आम हेडफोन्स हैं, चाहे PC जल जाए, राख बन जाए, इन्हें तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए मैं आपको अपना PC अब अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से इसकी क्या हालत है। ये है मेरा PC, ये यहाँ पे लगता है पंखे के नीचे प्रोसेसर, ये तो आपको पता ही होगा। ये है 4 RAM स्लॉट, यहाँ लगता है HDD यानी कि हार्ड डिस्क। ये है मेरी CD ड्राइव, और ये है एक्सटर्नल फैन ताकि कूलिंग के लिए, और ये है तार पावर ऑन ऑफ की, एंड ये है 2 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट। अगर आपका ग्राफिक कार्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप 2 लगा सकते हैं, मैं तो 1 ही लगा पाता हूँ क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड बहुत बड़ा है। ये है वाईफाई अडैप्टर के स्लॉट, पर मैंने एक वाईफाई अडैप्टर USB वाला लगाया है। मैं रिकमेंड करूँगा आप वाईफाई अडैप्टर जो अंदर स्लॉट होते हैं वो वाले खरीद के लगाएं, उसकी अच्छी स्पीड होती है और कॉन्स्टेंट होती है। वैसे तो ईथरनेट अच्छा होता है, लेकिन वाईफाई के लिए अंदर का अडैप्टर अच्छा होता है। तो ये है मेरा अभी तक का PC जो हो चुका है ख़राब, तो अब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं एक लूँगा नया गेमिंग PC, उसकी वीडियो में डालूँगा, 1-2 महीने तक मेरा नया गेमिंग PC आ जाएगा और वो एक इस ज़माने का बीस्ट होगा। तो अगर आप भी वीडियो देखना चाहते हैं मैं कौन सा गेमिंग PC लूँगा, कैसा होगा गेमिंग PC, मैं रेगुलरली उसकी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो इसलिए इस वीडियो को करो लाइक, कमेंट, शेयर, एंड प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिले, क्योंकि मैं करने वाला हूँ PUBG और गेमिंग PC की वीडियोज़ अपलोड। थैंक्स फॉर